जो संज्ञा होती है कब एक वचन की स्थिति में होगा सिंगुलर नंबर और कब प्लूरल नंबर की स्थिति में होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक क्लास के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको जितने भी रूल्स हैं इसको अच्छे से इसमें बताया जाएगा, जितने भी 1 से लेकर 8 रूल्स हैं उसको यदि आप फॉलो कर लिए तो कोई भी कंपटीशन हो कि कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन अच्छा करेंगे और उसका डिफिनेशन वगैरह भी अच्छे से लिखेंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। तो पहले हम लिखते हैं द नाउन एंड नंबर्स। नाउन मीन्स संज्ञा होता है, नंबर मीन्स संख्या होता है, काउंट जिसको काउंटिंग संख्या की बात करता है। तो वह शब्द जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, वह शब्द जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध होता है वह क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, वचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं। एक बड़ा डिफिनेशन, वह शब्द जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसको हम नंबर कहेंगे, या वह शब्द जिसे वस्तुओं की संख्या का बोध हो तो उसे हम नंबर कहेंगे। अर्थात ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द से हमको ये मालूम चलता है कि हमारे पास कितने वस्तुएं हैं, एक वस्तु है, दो वस्तु है, या 10 वस्तु है, या 100 वस्तु है, मतलब उस काउंटिंग से मालूम चलता है। उसी काउंटिंग को, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। अब देखेंगे तो नंबर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर। अर्थात पहला क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन। ये कहेंगे कि जिस संख्या से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है वह सिंगुलर नंबर में आएगा, अर्थात जिस संख्या से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है वह सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। यही पे जिस संख्या से जिस नाउन से किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वह प्लूरल नंबर में हो जाएगा। जिस संज्ञा से या जिस नाउन से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है, एक, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर होगा, अर्थात एक। और जिस नाउन से या जिस संख्या से किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। अर्थात जाहिर सी बात है डिफिनेशन आपको तो मालूम होगा, एक रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन, जिसको प्लूरल नंबर कहते हैं, एक रहेगा तो सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब इसको बनाने के तरीके कई हैं, बहुत सारे इसको बनाने के तरीके हैं, 8 तरीके हैं, तो 1 by 1 करके हम सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए बॉय, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, इसका हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स, ये गर्ल, गर्ल का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्राई, क्राई का प्लूरल बनाएंगे तो क्राइज होगा, CRIES, क्राइज हो जाएगा। यहीं पे डियर लेंगे, डियर, तो डियर का डियर ही होता है। यहीं पे मैन लेंगे, मैन, तो इसका क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा प्लूरल। यहीं पे कैट लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। यहीं पे हम लीफ लेंगे, LEAF, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लीफ्स हो जाएगा, LEAF, LEAVES। तो इस प्रकार हम एक एक रूल के बारे में पढ़ेंगे, रूल के बारे में पढ़ेंगे तो हम कन्फ्यूजन नहीं होंगे, और जितने भी सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट होता है बनाने का जो तरीका है वो हमको आसानी से मालूम चल जाएगा, तो हम कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए हम 1 by 1 रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अध्ययन को। हम लोग के सामने ये 3 रूल्स हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 4th रूल की तरफ चलेंगे। तो जिस नाउन के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में, या कोई शब्द दिया है उसके अंत में, यदि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि नाउन के अंत में या संज्ञा के अंत में कोई शब्द दिया होगा, अगर नाउन होगा तो उसके अंत में यदि AI, ध्यान से देखिएगा, AI, EI, EI, EYI, EYI, or OO, एक बार और ध्यान से देखिएगा, AE, EE, EY, EY, OO, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय सिर्फ यस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय सिर्फ यस लगाते हैं, उसमें यस लास्ट में ले जाके जोड़ देते हैं, जैसे जो भी वर्ड रहेगा वर्ड प्लस यस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है डेट, तो यहाँ पे डेट में प्लस यस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट्स। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए, अब डेट का क्या हो जाएगा, डेट्स। अब यहाँ लास्ट में क्या है, ई आया है, अब यहाँ पे ई दिया हुआ है, हाउस, यहाँ पे देखिए ई आया है लास्ट में, H O U S, तो क्या हो जाएगा,
एच ओ यू एस ई एस हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डज आया है, डज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ओ ई डच। ट्री आया है तो क्या हो जाएगा टी आर डबल ई एस, सिर्फ यस लगेगा। यहाँ पे देखिए नी आया है तो के एन डबल ई एस, सिर्फ यस लगेगा प्लूरल बनाते समय। यहाँ पे देखिए डे आया है तो डे में सिर्फ यस लगेगा डी ए वाई एस डेज। रे आया है तो आर ए वाई एस रेज, यस लगेगा सिर्फ। डंकी में आ जाएगा तो डी ओ एन के ई वाई एस, सिर्फ यस लगेगा इसको सिंगुलर बनाते समय। अर्थात ये कॉलम आपका सिंगुलर है और ये प्लूरल बनेगा सिर्फ यस लगाकर, ये आपका सिंगुलर है प्लूरल। टेबल का क्या हो जाएगा टेबल्स टी ए बी एल ई एस। बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज, सिर्फ यस लगेगा। मंकी का क्या हो जाएगा मंकीज, सिर्फ यस लगेगा। अर्थात जब ए ई डबल ई ए वाई ई वाई डबल ओ आए तो इसके अंत में सिर्फ यस लगा करके हम प्लूरल बना सकते हैं आसानी से। उसके पश्चात ये देखिएगा रूल नंबर टू, जिस शब्द के अंत में या जिस नाम के अंत में P, T, K, B, D, G, M, N, L, L है, L, R आए तो उसमें भी सिर्फ यस लगा करके ही बहुवचन बनाएंगे। क्या करेंगे यस लगा करके ही बहुवचन बनाएंगे। तो यहाँ देखिए कैट है तो क्या हो जाएगा कैट्स, पेन है तो क्या हो जाएगा पेन्स, डोर है तो क्या हो जाएगा डोर्स, रूम है तो क्या हो जाएगा रूम्स, निब है तो क्या हो जाएगा निप्स, यहाँ पे रोड है तो क्या हो जाएगा रोड्स, बैग है तो क्या हो जाएगा बैग्स, कैप है तो क्या हो जाएगा कैप्स, बाल है तो बाल्स, बुक है तो क्या हो जाएगा बुक्स। सिर्फ यस लगा करके बहुवचन बनाएंगे, अर्थात जिसके अंत में पी टी के बी डी जी एम एन एल तथा आर आएगा तब उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए सिर्फ यस का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो रूल नंबर थर्ड है ये देखिएगा, जब किसी नाउन के अंत में यस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, ओ आए तो उसमें ई एस लगा करके बदलेंगे। क्या लगा के बदलेंगे ई एस, ई एस लगा के बदलेंगे। क्या लगा के बदलेंगे ई एस, जैसे यहाँ पे बुफाइलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुफाइलो बी यू डबल एफ एल ओ ई एस, यहाँ पे ई एस लगा के बदलेंगे। क्या चेंज करेंगे ई एस, हीरो में एच ई आर ओ ई एस हीरोज, ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पे बॉक्स में बॉक्सेज हो जाएगा B O X E S बॉक्सेस हो जाएगा। हाई वेलकैनो में वोलकैनो में वोलकैनोज, वोलकैनोज हो जाएगा। हाई ब्रांच में ब्रांचेज, ब्रांचेज हो जाएगा। मैंगो में मैंगोज। अब वर्ब में भी देखिएगा, वर्ब में गो आता है, वर्ब में गो आता है तो क्या हो जाएगा गोज। अब देखिएगा गो आता है ना वर्ब में गो तो उसको हो जाएगा गोज। अब यहाँ पे देखिए क्लास का क्लासेज, अब यहाँ पे डिस का डिसेज, देखिएगा हैंड राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जल्दी जल्दी लिखने में। बेंच का बेंचेज, आप समझ लेंगे उम्मीद है। बस का बसेज। ये रूल नंबर थर्ड है, क्या कब जब यस आएगा डबल यस आएगा सी एच आएगा एस एच आएगा एक्स आएगा ओ आएगा तो उसके वर्ब जो भी वर्ड दिया रहेगा नाउन दिया रहेगा उसमें ई एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बदलते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि लाइट चेहरे पे आ नहीं रहा है सही से, तो फिगर भी चेहरे से सही से नहीं आ रहा होगा मेरे फ्रेंड्स। अगला जो रूल है वो आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिएगा। जिस नाउन के अंत में ए ई डबल ई ए वाई ए ई वाई डबल ओ आएगा तो उसमें एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे डेट का आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जिस नाउन के अंत में पी टी के बी डी जी एम एन एल तथा आर आएगा तो उसमें भी एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जिसके अंत में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ आएगा तो उसमें एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। मैंगोज का मैंगोज, क्लास का क्लासेज, डिस का डिसेज, बेंच का बेंचेज, बस का बसेज। ये आपका है। लोग रूल नंबर फोर के बारे में पढ़ेंगे, जो रूल नंबर फोर ये कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में या किसी शब्द के अंत में वाई दिया हो ठीक, तो वाई के ठीक पहले, यदि वाई दिया हो तो वाई के ठीक पहले बी डी एल एम टी आर हो तो पहले y को i में कन्वर्ट करेंगे, y को i में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें es लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। एक बार और सुनिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में y दिया हो
किसी नाउन के अंत में वाई दिया हो, ठीक, तो वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले बी डी एल एम टी आर हो तो वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ई एस लगा करके उसको बहुवचन में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, क्राई दिया है सी आर वाई, लास्ट में क्या है वाई है, वाई के पहले क्या आर आया है, तो पहले हम वाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाई को पहले आई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसमें ई एस लगा करके बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा सी आर, वाई को किस में कन्वर्ट करता है आई में, उसके बाद क्या लगाना ई एस, तो हो जाएगा ये बहुवचन क्राइज। कितना आसान है, पहले y को हटा देना है, y को विलुप्त कर देना है, एकदम हटा देना है, y की जगह पे i लिखना है, उसके बाद es लगा के उसको बहुवचन बनाना है। अब ct का देखिएगा इसी तरह, s i t i e s ct, y को हटा दिए इसकी जगह पे i कर दिए, उसके बाद es जोड़ दिए। आर्मी को इसी प्रकार देख लीजिएगा, a r m i e s आर्मी। ड्यूटी को देख लीजिएगा, d u t i e s ड्यूटीज। बेबी को देख लीजिएगा, बेबीज, b a b i e s बेबीज। यहाँ देखिएगा स्टोरीज हो जाएगा, एस टी ओ आर आई एस स्टोरीज। लेडीज हो जाएगा, एल ए डी आई ई एस लेडीज। हाई पोनीज हो जाएगा, पी ओ एन आई ई एस पोनीज होगा। हाई कॉलोनी है तो कॉलोनीज हो जाएगा, सी ओ एल ओ एन आई ई एस। ये हो जाएगा फ्लाइज, एफ एल आई ई एस। कितना आसान है, ठीक, कितना आसान है। यदि किसी नाउन के अंत में यफ या यफी का इस्तेमाल किया गया हो, यफ या यफी का इस्तेमाल किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, यफ या यफी को हटा करके उसी जगह पे भी लगाएंगे, और उसके बाद भी के पास उसमें ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदल देंगे। एक बार और सुनिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में यफ आया हो या यफी आया हो, तो उसको हम हटा करके उसके जगह पे भी लिखेंगे, उसके पश्चात ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे। मेरे दोस्तों, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इल्फ्स दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, ई एल एफ को हटाना है तो भी, और उसके बाद ई एस जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ई भी लगाना है और ई एस जोड़ देना, क्या एफ या यफी को हटा देना है, भी लगाना है, ई एस जोड़ देना। अब देखिए नाइफ, तो क्या हो जाएगा, के एन आई भी ई एस नाइफ्स। हाई सेल्फ हो जाएगा तो एस ई एल भी ई एस सेल्फ्स। हाई लिप्स हो जाएगा तो एल ई ए भी ई एस लिप्स। हाई लाइफ हो जाएगा तो एल आई भी ई एस लाइफ्स। यहाँ पर देखिएगा भी हो गया या फिर यफी की जगह पे, यहाँ पे दोनों यफी की जगह पे भी हो गया ई एस जेड। हाई वुल्फ हो जाएगा तो वुल्फ हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल भी, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा भी ई एस, एफ नहीं रहेगा भी रहेगा। वाइफ की जगह पे यहाँ पे एफ ई हटेगा तो हो जाएगा डब्ल्यू आई भी ई एस वाइफ। ये देखिएगा वाइफ का स्पेलिंग और ये देखिए कितना परिवर्तन हो गया। हाल्फ का हो जाएगा एच ए एल भी ई एस हाल्फ्स। लिफ का हो जाएगा एल ई ए भी ई एस लिफ्स। है थिप का हो जाएगा टी एच आई ई भी ई एस थिप्स। ये आपका हो गया, जब किसी वर्ड के अंत में नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसको पहले हटा करके उसको जब भी लिखते हैं, उसके बाद उसमें ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिसको सिर्फ उसके अंत में एस लगाने के पश्चात ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे यहाँ पे प्रूव है, तो इसमें एफ को नहीं हम विलुप्त करेंगे, नहीं हटाएंगे, उसमें सिर्फ एफ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल पी आर डब्ल्यू ए एफ एस प्रूफ्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा हूप्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ड्राफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ड्राफ्ट हो जाएगा, सिर्फ एस लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा चिप्स, सी एच आई ई बी ई एस चिप्स हो जाएगा। यहाँ पे सेप्स हो जाएगा, सेप्स। यहाँ पे हो जाएगा ग्रेप्स, ग्रेप्स जी आर आई बी एस ग्रेप्स। ये अब देखिए प्रूफ का क्या हो गया प्रूफ्स, होप का होप्स, ड्राफ्ट का ड्राफ्ट, चिप का चिप्स, सेफ का सेफ्स, ग्रीप्स का ग्रीफ, ग्रीफ का ग्रीप्स हो गया। तो इसमें सिर्फ यस लगा करके हम क्या करते हैं इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार और देख लीजिएगा एक मिनट, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो तथा उसके ठीक पहले बी डी एल एम एन टी आर हो, तो वाई की जगह पे हम आई को लगाते हैं, उसके बाद उसमें ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपके सामने क्राई का एग्जाम्पल दिखा गया, सिटी का, आर्मी का, ड्यूटी का, बेबी का, स्टोरी का, लेडीज का, पोनी का, कॉलोनी का, फ्लाई का दिखाई दे रहा है। दूसरा, यदि किसी वर्ड के अंत में एफ या भी दिया हो तो उसको हटा करके हम भी लिख देते हैं, उसमें ई एस जोड़ करके के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इल्प्स दिया है, नाइफ दिया है, सेल्फ दिया है, लुप दिया है, लाइफ दिया है, यहाँ पे उल्फ दिया है, वाइफ दिया है, हाल्फ दिया है, लिप दिया है, थिप दिया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं जिसमें सिर्फ यस लगा करके ही प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे प्रोप्स है, होप्स है, ड्राफ्ट है, चिप्स है, सेप्स है, ग्रिप्स है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ ई एन
ईएन या आर ईएन जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स दिया है तो ऑक्सेन हो जाएगा, देखिए ओ एक्स ई एन, सिर्फ ई एन जोड़ करके इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। चाइल्ड दिया है तो चिल्ड्रेन, आर ई एन जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा चिल्ड्रेन। ये देखिए रूल नंबर 6 है, आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ई एन और सिर्फ आर ई एन जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ओ एक्स आ गया, यहाँ पे ओ एक्स ई एन, तो ऑक्सन हो जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड है। तो बात करेंगे रूल नंबर 7 की बात करेंगे, तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि नाउन के बीच में यदि वावेल का प्रयोग किया गया हो, अर्थात जो शब्द आपके सामने रखा गया है नाउन, उस नाउन के बीच में यदि वावेल का प्रयोग किया गया है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कैसे उसमें परिवर्तन करेंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कैसे उसको परिवर्तन करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है जैसे वोमेन दिया हुआ है, वोमेन मीन्स औरत, तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे, ये सिंगुलर उसको प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे ई कर देंगे, वोमेन कर देंगे, तो डब्ल्यू ओ एम ई एन वोमेन। तो इसमें देखिए ये भी वावेल है, अर्थात वावेल मीन्स क्या है, स्वर है, तो इसको स्वर में हम चेंज कर दिए। ठीक, नाउन के बीच में यदि वावेल आएगा तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे देखिए टीथ, टूथ लिखा गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा टीथ, हम डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। फुट को हम लिखा गया तो फिट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल ओ को डबल ई में हम चेंज कर दिए, ये हमारा ये सिंगुलर नंबर है और ये हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। मैन को देखिएगा मैन, मैन एम ई एन, तो ए, हम यहाँ पे ए को ई में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे माउस को माइस, एम आई सी ई, माउस को माउस, इसी प्रकार लाउस को लाइस में बदल देते हैं, माउस को माइस में बदल देंगे। यहाँ पे गूज को गीज में, गूज को गीज में, अर्थात वाक्यों के बीच में जब कोई नाउन दिया है तो उसमें वाक्यों के बीच में वावेल का प्रयोग किया गया हो तो अधिकांश सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ओ को ई में कन्वर्ट कर देते हैं और ए को ई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया गया ओमेन का, टीथ का, फुट का, मैन का, माउस का और गूज का, गीज का। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रूल नंबर 8 ए कह रहा है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा प्रयोग किए जाते हैं। जो रूप उनका सिंगुलर में होगा वही रूप उनका प्लूरल में होगा, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो आइए कुछ शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पीपुल, पीपुल का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसा इस्तेमाल किया जाता है, पीपुल। ठीक, कैटल मीन्स पशु, इसका भी सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसा इस्तेमाल किया जाता है। डियर, डियर मीन्स हिरन, इसका भी सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे डियर देख लीजिएगा। जेंट्री, तो जेंट्री का भी वैसा जी ई एन टी आर वाई, जेंट्री, इसका भी उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। पुलिस, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस, ये भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। डियर, तो इसके पहले डियर लिखा गया है तो डियर भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, एक बार और देख लीजिएगा। पीपुल, यहाँ पे पीपुल का पीपुल, कैटल का कैटल, डियर का डियर, जेंट्री का जेंट्री और पुलिस का पुलिस, दोनों सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो यह चैप्टर पढ़ने के पश्चात हम आपको होमवर्क देंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको चेंज करके लिख के जरूर बताइएगा। तो पहला होमवर्क ये है, सिंगुलर हम दिया हुआ है, यहाँ पे इसको प्लूरल बनाना है। ये पियानो दिया है, स्कार्फ दिया है, यहाँ पे बिलीफ दिया है, की दिया है, डजन दिया है, टोमेटो दिया है। पियानो, स्कार्फ, बिलीफ, की, डजन, टोमेटो, इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है, एक वचन से बहुवचन में बदलना है आपको। दूसरा है मैड सर्वेंट, लाउस, मॉस्किटो, नाइफ, कक्कू, यहाँ पे दिया है फुट, चाइल्ड और ऑक्स, इसको भी सिंगुलर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको प्लूरल में बदलना है, अर्थात एक वचन दिया है वो बहुवचन में बदलना है। यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि प्लूरल दिया हुआ है इसको सिंगुलर में बदलना है। यहाँ पे देखिए ग्लासेज, आई वॉच, आई कैंटोज, रूप्स, माइस, लेडीज, आई मॉन्ट्स और स्टिक्स। ग्लासेस, वॉचेस, कैंटोज, रूप्स, माइस, लेडीज, मंथ और स्टिक्स, यह प्लूरल दिया हुआ है, सिंगुलर में बदलना है। तो एक बार और देख लीजिएगा, कुछ वाक्यों के बीच में जो वावेल आते हैं तो वावेल को हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे ओमिन में सिर्फ ई चेंज करके ओमिन कर दिया गया है, टूथ को टीथ कर दिया गया है, फुट को फिट कर दिया गया है, मैन को मैन कर दिया गया है, माउस को माइस कर दिया है, गीज को गुज को गीज कर दिया गया है। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा, यहाँ पे देख लीजिए पीपुल, कैटल, डियर, जेंट्री, पुलिस, ये आपके महत्वपूर्ण डिनाउन एंड नंबर से रिलेटेड ये आपके रूल्स थे। इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, माइंड कंसंट्रेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, इसी तरह जितने भी वर्ड आएंगे उसको आप सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहीं पर हम अपना वीडियो ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे दोस्तों। और एक बात और बता दें कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और जो इंटरव्यू वगैरह ले करके डाला जाता है उसके बारे में आप प्रतिक्रिया दीजिए कि इस पे उस चैनल पे सिर्फ एजुकेशन से संबंधित वीडियो डालना चाहिए कि सिर्फ
टीचिंग से संबंधित ही वीडियो डालना चाहिए कि और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड है?